बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू बू अली सिन्हा और उनकी कुछ खिदमात हैं। बू अली सिन्हा का मुकम्मल नाम अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन बिन अली बिन सिन्हा है। आप 980 में पैदा हुए और आपने 1037 में वफात पाई। आप दुनियाए इस्लाम के मुमताज़ तबीब और फ़लसफ़ी हैं। इबन सिन्हा ने बहुत सी किताबें लिखीं। इनकी कुल किताबों की तादाद 450 बताई जाती है। आपकी इतनी सारी किताबों पर क्या कहा जाए। टिब की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इस बात से हैरान हो जाए कि टिब के शोबे में इनको वो मर्तबा नहीं मिल सका जिनके वो हकदार हैं। इनके अहम नज़रियात में से एक रूह का तसव्वुर है। इस दलील का मुवाजना अक्सर फ्रांसीसी फ़लसफ़ी रीने डिकार्टस के काम से किया जाता है। इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि मैं सोचता हूँ शायद इसलिए मेरा वजूद है। आपके मुताबिक सिर्फ ऐसी चीज़ें अपना वजूद रखती हैं जिन्हें बयान किया जा सके। ये जुमला अपने अंदाज में अहम है। इबन सिन्हा उन फ़लसफ़ियों में से हैं जो मौजूदा हालात की बिना पर किसी मामले का फ़ैसला करते हैं। वो इल्लत व महलूल यानी अंग्रेज़ी में काज एंड फैक्ट पर यकीन रखते हैं। वो हर चीज़ से मुतालिक इसकी खसूसियात और इसके वजूद की बुनियाद पर बात करते हैं। इनके मुताबिक अगर दुनिया बनने के पीछे कोई बड़ी वजह ना होती तो इसका वजूद ना होता। अगर ये साबित हो जाए कि दुनिया बनने के पीछे कोई वजह है तो ये भी खसूसियात और वजूद के फ़लसफ़े के मुताबिक होगी। यानी कोई चीज़ क्या है, यही उसका वजूद है। ये बात इस तरह भी कही जा सकती है, खुदा क्या है, इसका जवाब खुदा के वजूद में है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जब एक मसीही नौजवान गिरजा घर में और एक मुसलमान किसी मदरसे में दीनी इल्म हासिल करने जाता है तो वो उसी वक्त इबन सिन्हा का मकरूज़ हो जाता है। शुक्रिया।